अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं शादी में। इस बार जब मैं कोलकाता गई ना, तो बहुत सारी शादियाँ मैंने अटेंड की, बहुत सारे दावत आए थे। तो ये देखो, हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो मेरा मन था साड़ी पहनने का, लेकिन साड़ी पहनने से ना बहुत टेंशन हो जाता है। शज़ान इतना छोटा है ना, तो कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसके पहले वाली शादी में मैं साड़ी पहन कर गई थी ना, बहुत परेशान हो गई थी इसे लेकर। तो इसीलिए ना, बच्चों के साथ तो कभी साड़ी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कैरी करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो यहाँ पर हम लोग आते ही स्टार्टर में लग गए। और ये देखो, ये है, इसे सिर्फ़ और सिर्फ आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, इतने सारे आइटम्स हैं ना, लेकिन इसे आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स में ही, जब भी शादी वगैरह में जाता है ना, इन दोनों को कुछ और कोई चीज़ों से मतलब नहीं होती है, सिर्फ आइसक्रीम। और आइसक्रीम खा के ना तबीयत भी ख़राब हो गई थी नेक्स्ट डे। मम्मी भी बोल रही है कि इतना ठंडा वगैरह नहीं खाओ, ठंड लग जाएगी। रात का टाइम था वो भी। तो यहाँ पर फिर हमने थोड़ा बहुत शूट किया, बिरयानी वगैरह भी खाई, लेकिन उतना शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता है। मेरा तो ना जाने का मन नहीं करता, वो तो मम्मी के, मैं मम्मी इतना फोर्स करती है ना कि चलो चलो, तो बच्चों को लेकर मैं चली जाती हूँ। लेकिन सच में शादी वगैरह में ना, मुझे शज़ान तो देखो इतना छोटा ना, बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन हमारा डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करता। और फिर मुझे दूसरे ही दिन मुझे अपने ससुराल के लिए निकलना था, और हुमायरा को तो आने का मन बिल्कुल भी नहीं था। वो जाती है ना मेरी मम्मी के वहाँ पे, तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहती। तो मम्मी ने बोला रीमा को जाने के लिए, और मेरे जो ससुराल है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब आप ट्रेन से इजीली आना जाना कर सकते हो सेम डे में। तो रीमा भी हमारे साथ आ गई थी, क्योंकि ये हुमायरा बहुत मतलब बोल रही थी। और देखो, हुमायरा का ना बर्थडे आने वाला था, तो हुमायरा के मामा ने उसको ये सारे चॉकलेट्स एंड बलून्स वगैरह दिए थे। तो वहाँ तो इसका बहुत मन था सेलिब्रेट करने का, लेकिन मैं स्कूल से कितना छुट्टी लूँ, उसका फिर पढ़ाई में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकी वहाँ पे। लेकिन इसका मन था वहीं पे मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो और यहाँ पर रीमा ने भी उसे ये किचन सेट गिफ्ट किया है। तो ये फिर दूसरे दिन वाला क्लिप है। ये हम लोग गए थे हुमायरा को लेने के लिए स्कूल, और ये मैंने सोचा थोड़े बहुत आपको स्कूल, इसका पहले भी मैंने आपको दिखाया है, तो ये देखो। और इस बार रीमा भी गई है, क्योंकि हुमायरा ना सुबह में बोलकर गई थी कि मतलब उसे भी आने के लिए, तो इसीलिए मैं उसे लेकर गई थी। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, छुट्टी नहीं हुई अभी तक। तो ये देखो, यहाँ पर भी शज़ान बहुत डिस्टर्ब करता है, वहीं कहीं भी जाता है ना। और ये देखो, इन लोगों की पेरेंट्स डे की तैयारियाँ चल रही है, क्योंकि पेरेंट्स डे आने वाला है ना, तो उन लोगों को कैसे प्रैक्टिस कराया जाता है, और वो भी मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब हुमायरा स्टेज पर परफॉर्म करेगी कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर देखो, हो गई है छुट्टी इसकी, और ये बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गई थी रीमा को देखकर। और ये ना घर से बोल कर ही गई है कि रीमा आंटी आप भी आना मुझे लेने के लिए। और रीमा ना इस बार रहती, वो काफ़ी दिन रहती, लेकिन नेट का कुछ इश्यूज़ चल रहा था ना, तो जिसके वजह से ना इसका प्लानिंग फिर मतलब चेंज हो गया, नहीं तो काफ़ी दिन ये रुक जाती। तो रीमा का भी बर्थडे, मतलब नेक्स्ट डे इसका भी बर्थडे था, तो रीमा का मन था कि चलो आज हम लोग जाएंगे। और हुमायरा ने और मैंने भी सोचा था कि नेक्स्ट डे अगर ये रुकेगी तो हम लोग भी केक वेक लाकर अच्छे से मतलब घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, तो रुक नहीं पाई। और ये भी ना हुमायरा का माइंडसेट कर रही थी कि, तो वो हुमायरा को समझा रही थी कल मैं चली जाऊंगी, तुम रोना नहीं, तुम अपना मूड ख़राब नहीं करना, फिर तुम जल्दी से आ जाओगी नानी माँ के घर में, क्योंकि इतना मतलब वहाँ पे साउंड आ रहा था ना, इतना नॉइज़ हो रहा था, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने ली। तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे, तो जैसे मैंने आपको बताया था रीमा का बर्थडे था कल, तो उसका मन था हम लोगों को ट्रीट देने का, तो हम लोग आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ पर।
तो इस बार ना उसका भी मन था रुकने का, और हुमायरा को भी अच्छा लगता अगर वो रुकती, और रुक रुक भी जाती वो। लेकिन हमारे यहाँ नेट का कुछ इश्यूज चल रहा था ये साइड में, पता नहीं नेट ही मतलब 3-4 दिन से ना नेट ही काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो और उसको वो वर्क फ्रॉम होम करती है ना, तो उसको फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ और अगर रीज़न रहता तो मैं उसे रोक लेती कि रुक जाओ मत जाओ, लेकिन काम के लिए तो मैं नहीं रोक सकती ना उसको। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नेट ही नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे काम करेगी वो। तो बात यही थी। तो जो भी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया है, और ये देखो हुमायरा ने ले लिया है मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक, वो भी बहुत ही ठंडी है। इसे कहीं भी जाओ तो ठंडी चीज़ें उसको मतलब लेनी ही होती है। तो ये तो आइसक्रीम के लिए बोल रही थी, तो मैंने उसे फिर डांटा वहाँ पे, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी ना स्ट्रांग नहीं होता है, झट से ठंड लग जाती है, तो इसीलिए मैंने उसे डांटा। तो वो फिर वो उसने वही चॉकलेट मिल्क शेक लिया। और यहाँ पर देखो, तो बस मेरे व्लॉग पे रीमा आपको यहीं पे दिखेगी कल से, मतलब अब जो मैं व्लॉग डालूंगी उसमें रीमा तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो अब मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ और वो मेरे मम्मी की वहाँ पे, तो अगर वो अपना वीडियो वगैरह डालती है तो उसमें आपको दिखेगी, लेकिन मेरे व्लॉग में अब नहीं दिखेगी। अब मैं जब जाऊंगी, अभी तो जाने का नहीं है, वही मैं ईद के टाइम में, ईद के टाइम शायद मैं जा सकती हूँ, रमज़ान के टाइम। इसका जो है न्यू सेशन, जो हुमायरा का जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तभी हम लोग जाएंगे मेरी अम्मी के घर में। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे वीडियो स्टॉप करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।